नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज त्योहारों का दिन, सबको ईद मुबारक, अक्षय तृतीया की बधाइयाँ। और आज हमारा देश इन त्योहारों के में खुशी में झूम रहा है। हम भी समय खड़े हैं वसई के सन सिटी में, आप देख सकते हो वसई का सन सिटी का ये क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, वो बोर्ड यहाँ एक तरह का मेला लगा हुआ है, लेकिन मैं मेला नहीं बोल के जो बोर्ड में मेंशन है वही करूँगा, तब आपको समझ में आएगा। लाइट इवेंट एंड फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल, यहाँ एक तरह का लाइट इवेंट है। पिछले 15 अप्रैल से वो जारी है और आज यहाँ पर कुछ अलग से फायरवर्क्स वगैरह अंदर जारी है। हम अभी जाएंगे, अंदर का मुआयना करेंगे, मैं आपको पूरा अंदर का दृश्य दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले आपको ये बता दूं कि थोड़ी जानकारी जो मैंने निकाली, तो मुझे ऐसा बताया गया कि ये इवेंट अपने आप में सिर्फ वसई में ही नहीं, पहली बार इन्होंने ऑर्गेनाइजर ने ऑर्गेनाइज किया है। यानी कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, पहला प्रभाव अंतिम प्रभाव कहा जाता है। तो पहला ही प्रभाव जिस तरह से यहाँ का इसको लोगों का रिस्पांस मिला है, उसको देख के ये कह सकते हैं कि काफ़ी ग्रैंड सक्सेसफुल ये इवेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पर बाहर की तरफ ये स्टॉल्स है, लोग स्टॉल्स में आकर भी कुछ खरीद रहे हैं, नहीं तो अपनी क्वेरीज से वो रेस कर रहे हैं। और काफ़ी स्टॉल्स वाले भी खुश हैं और इवेंट ऑर्गेनाइजर जो है उन्होंने काफ़ी बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन किया है। आप देख सकते हैं आगे, जैसे अलग अलग स्टोर्स तो आप देख ही रहे हैं, बोर्ड आपने देखा है। लाइट इवेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी विशेषता है, वहाँ हम अभी जाएंगे अंदर। लाइट इवेंट में एक नॉमिनल कुछ टिकट होना ज़रूरी है और वो टिकट है यहाँ पर एकदम नॉमिनल टिकट है, 20 रुपया और 30 रुपया। सप्ताह के 3 दिनों में 20 रुपया है, तो 3 दिनों में 30 रुपया ऐसा नॉमिनल टिकट है। टिकट के लिए कितना लंबा लाइन है ये आप लाइन देख सकते हो, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इवेंट जो है कितना सक्सेसफुल है, लोगों को इसका प्रतिसाद कितना मिल रहा है। आज स्पेशली ईद का और त्यौहार का दिन है, लेकिन काफ़ी लंबी लाइन यहाँ आप देख सकते हो। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, टिकट काउंटर से आगे की तरफ अंदर। जो हम खास करने आए हैं लाइट इवेंट, यहाँ हमने एंट्री कर दिया ये लाइट इवेंट। हम आ चुके हैं इस तरह से, आप देख सकते हो अलग अलग लाइटिंग है यहाँ पे, लाइट इवेंट चल रहा है। लेकिन जो मैं और जिसकी खूबी है वो खूबी हम आपको दिखा रहा है, ये लाइट अलग अलग शेप से हार्ट के शेप यहाँ बना हुआ है, ये लगातार हार्ट के शेप है। उसके आगे कुछ छतरी जैसा ऐसा शेप बना हुआ है, उसके आगे अलग अलग शेप हैं। और यही इस इवेंट की सबसे बड़ी खासियत है, अपने आप में ये पहला इवेंट वसई विरार में क्या ओवरऑल ये जो ऑर्गेनाइजर है उनकी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो काफ़ी बेहतरीन। और कितनी पब्लिक है, हमने बाहर आपको बताया था कि इसको काफ़ी ग्रैंड सक्सेसफुल इसको लोगों का प्रतिसाद मिला है, तो वास्तव में ये देखने से ही मालूम पड़ता है। ये डॉल्फिन फिश का आप शेप देख सकते हो, उसमें लाइटिंग है, ये इफेक्ट है। यहाँ से आगे की तरफ वो बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है, ये ऐसा बोल सकते हैं कि खजूर का झाड़ शायद उसका शेप है। ये देखिए एक सीप का ये शेप है, इसमें मोती भी रखे हुए और यहाँ पर ये मशरूम का शेप दिया हुआ है। हर शेप को बड़े ही अच्छे से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। यहाँ पर अलग अलग कलर के फ्लावर्स, कमल के फूल, लोटस जिसको हम बोलते हैं, उसका शेप दिया हुआ है, अलग अलग कलर दिए उसमें। ये एक बोट का शेप है, ये एक बोट का शेप है जिसमें लाइटिंग करके उसको बोट के शेप को सजाया गया है। आजू बाजू में भी अलग से इफेक्ट दिया गया है। यहाँ पे एक अलग ही डिज़ाइन दिया हुआ है, यूनिक डिज़ाइन, उसमें लाइटिंग्स है। ये हम खड़े हैं
जुरासिक शो में, यहाँ जुरासिक शो में एक डायनासोर है वो बाहर से निकल अंदर से निकल के आता है बाहर पब्लिक में, और वो एक इवेंट हम आपको दिखाएंगे वो भी। हम हमें डायनासोर जुरासिक शो में यहाँ पर ये डायनासोर है, ये एक नया एक्सपीरियंस वसई कर को देखने को मिलेगा। इस समय हम खड़े हैं ये ग्लास के पास, यहाँ पर वो पांच ग्लास रखे हैं उनको इस बॉल से गिराना है। एक चांस का 30 रुपया है, और अगर गिफ्ट अलग 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 जो इन्होंने खड़ा हुए गिफ्ट उसमें से वो गिफ्ट जिसको जो चाहिए जो मर्जी आए वो गिफ्ट। एक बार ट्राई अपन हम भी करेंगे। फेल हुए, एक ही गिरा, लेकिन ये मनोरंजन के लिए मनोरंजन का साधन है। इसी तरह से यहाँ से आगे भी कुछ इस तरह के गेम है। यहाँ क्या है आपके सर? हाँ भैया, क्या गेम है ये? ये छः बॉल लेना किसी भी नंबर में डालने का, हाँ, फिर काउंटिंग करने का, फिर टोटल जो नंबर आएगा वो नंबर में जो रहेगा उसमें आपको एक सामान मिलेगा। एक सामान मिलेगा। इसका आपका चार्जेस कितना है? 40 रुपये एक चांस का, और छः में से जितना नंबर टोटल प्लस हुआ उसके हिसाब से आपको देखेंगे। यहाँ ये इसको कैसे डालने का? ऐसा सिर्फ यहाँ से छोड़ने का? ऐसा छः जाना चाहिए जिसका टोटल। तो ये हम गेम सेक्शन में थे, फूड सेक्शन सामने की तरफ भी अलग अलग फूड व्यंजन है आप देख सकते हैं, और अब आगे की तरफ झूले हैं उसमें कदम रखते हैं, देखते हैं झूले में क्या है। आप देख सकते हो पीछे झूले हैं बच्चों के लिए, अलग अलग तरह के झूले हैं, और जो गेम हर मेले में या इवेंट में होते हैं उस तरह के हैं ताकि बच्चों का मनोरंजन हो सके, और बच्चे खास करके ऐसे किसी इवेंट में आने के लिए उत्साहित होते हैं, उनका ये पूरा सेक्शन है। सर आपका नाम? इमरान कुरैशी। इमरान भाई, ये इवेंट आपने लाइट एंड फूड फेस्टिवल इवेंट जो रखा है, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये लाइट एंड फूड इवेंट एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट था, ये मेरी वाइफ ने सोचा था कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट पे करते हैं, तो फिर ये लाइट एंड साउंड का जो भी लाइटिंग है वो उनको अच्छा लगा कि भाई हमारे पास एक आइडिया था, वो हमने एग्जीक्यूट किया और उसको उस हिसाब से पब्लिक तक लेके आए। अमूमन ऐसे इसको हम हिंदी में अगर साधारण भाषा में कहें तो मेला बोल सकते हैं। ऐसे हाँ। मेले बहुत देखे हैं जिसमें झूले का होना, गेम्स का होना, वो नॉर्मल बात है, लेकिन आपके इसमें खासियत ये है कि लाइटिंग्स है, तो ये लाइटिंग इफेक्ट में भी आपने कुछ अलग 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 थीम रखा है। कहीं पे मैंने देखा है तो एक लोटस का फूल है उसके शेप में है, कहीं पे डॉल्फिन का, तो ये सब चीज़ ये आइडिया क्या है? ये आइडिया सब इमेजिनरी है, ज़्यादातर हमने सोचा था कि ये पब्लिक के लिए कुछ नया करेंगे, क्योंकि कोविड के बाद से बहुत जन मायूस थे, बहुत कुछ इशू था, फिर हम लोग के पास में ये 2 साल था इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उस हिसाब से हमने ये एग्जीक्यूट करके उसको आइडियाज़ को फैब्रिकेशन वाले को सब बताया, फिर उस हिसाब से हमने उसको एग्जीक्यूट किया और
अभी आपके सामने ये थे। यहाँ एक सेक्शन है डायनासोर शो, ये जुरासिक शो, इसमें क्या स्पेशली डायनासोर एक बाहर निकल के आता हमने वो बच्चे लोग के लिए बहुत अच्छा लगता है, बच्चे लोग को डायनासोर बहुत पसंद आते हैं, तो उस हिसाब से हमने सोचा कि बच्चे लोग के लिए कुछ अलग ही करते हैं कि माँ बाप भी खुश हो, सबको आके अच्छा लगे और हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला इसके लिए। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, सवाल तो करने का सवाल ही नहीं है क्योंकि जो पब्लिक दिखाई दे रही है उससे ग्रैंड सक्सेस है ही, लेकिन आप अपने हिसाब से कहाँ तक सेटिस्फाइड है, कहाँ तक संतुष्ट है? ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं अभी तक 70% सेटिस्फाइड हूँ क्राउड के हिसाब से, जो रिस्पांस मुझे मिला है उस वजह से भी, और क्राउड ने बहुत प्यार दिया। मेरा जो आइडिया है इसको और भी बहुत बेटर करने का है, अगली बार जब मैं आऊँगा तो इससे बेटर आइडिया लेके आऊँगा और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको भी एग्जीक्यूट करूँगा। सबसे आखिरी और अहम सवाल, ये अपने आप में पहला शो है, तो ये सोच के जो क्राउड आया, आप 70% बोल रहे हैं, मेरे को लगता है आपको 70% बोले वो थोड़ा आप इंसाफ नहीं करो, 90% बोलना चाहिए, क्योंकि हमेशा लोग कह रहे हैं यार मेले में जाते रहते हैं क्या कौन सी नई चीज़ें, लेकिन एक बार आने के बाद में जो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट करती है उसके बाद में पब्लिक आती है, अभी दूसरी बार आप जाहिर सी बात है कहीं पर इस तरह का इवेंट करोगे तो उसमें आपकी क्या उम्मीद रहेगी? मेरी उम्मीद ये है कि पब्लिक को जितना भी पसंद आया है तो अगली बार ग्लोबी इवेंट्स का नाम बहुत ऊंचा हो गया है, ये पहले इवेंट में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हुई है और नेक्स्ट टाइम पे ये क्राउड ही मुझे और क्राउड पुल करके देगा। इस हिसाब से वही बोल रहा हूँ 100% आपको बोलना चाहिए, आप क्यों 100% के लिए और बेटर करके आऊँगा, कुछ भी 100% नहीं है लेकिन अगली बार इससे और बेटर, बिकॉज मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ हर चीज़ से 100%, पर अगली बार भी जब लाऊँगा तो भी मैं 100% नहीं लूँगा, थर्ड टाइम लाऊंगा तो भी 100% नहीं दूंगा, लेकिन जितनी कोशिश होगी कि क्राउड 100% खुश हो जाए। अच्छा, आप अपनी सर्विस से क्या कहाँ तक सेटिस्फाइड है, क्या मैंने सर्विस देने का कोशिश किया वो 100% दिया आप अपने हिसाब से? मैं अपनी सर्विस से तो 100% सेटिस्फाइड हूँ, मेरे लोग ने जो काम किया है और सब कुछ किया है वो बहुत ही बेटर है, एक एक जन ने बहुत मेहनत किया है, हम लोग इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 3-4-5 महीना उसके पीछे लगे पड़े थे, यहाँ पे आने के बाद भी बहुत सारे इश्यूज हुए क्योंकि कुछ चीज़ें हवा की वजह से इसके वजह से सब चेंज हो रही थी, फिर भी मेरे लोग ने बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन काम किया। हाँ, इतने गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई अभी इस दिनों से, अभी ये कब तक चलने वाला है? ये अभी तक 4 मई को ख़त्म होने वाला है, लेकिन रिस्पॉन्स सोच के अभी आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना वो कल ही फैसला लूँगा। ओके, बहुत बहुत बधाई, बहुत थैंक यू, और अगले इवेंट के लिए हम आपको पहले से बधाई देते कि इस तरह के इवेंट आपके सक्सेसफुल हो, और आप जो है अभी बोल रहे हो सेटिस्फेक्शन आपका थोड़ा कम लग रहा है मोरल, वो बहुत ज़्यादा डबल हो, ये हमारी आपके लिए दुआएं रही। शुक्रिया। आपका नाम? शेरिल कोरिया। ये इवेंट लाइट्स इवेंट करके है, आपने देखा ही रहेगा ऑलरेडी कि पूरे लाइट्स के सेट्स लगे हैं, एंड उसके साथ ही पीपल कैन यू नो लाइक घूम सकते हैं, इट्स स्मॉल पार्क, छोटा सा पार्क जैसा है वो, लाइटिंग पार्क की तरह, और उसके साथ खाना एंड शॉपिंग ऑल टुगेदर, ऐसा एक थीम है वो। इसको ऑर्गेनाइज करना कितना चैलेंजिंग था? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, आई मीन आई कैनॉट एक्सप्लेन कि क्या है, पर ये ग्राउंड से लेके पूरा मंडप से लेके पूरा बनाना वाज वेरी 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 चैलेंजिंग, और यहाँ पे हवा भी बहुत ज़्यादा है तो कभी कभी पूरा गिर भी जाता है सुबह सुबह पूरा वापस से बनाना, फिर डॉगीज भी ज़्यादा है तो पूरे फाड़ के लेते हैं, तो सुबह सुबह वापस से वो पूरा लाइटिंग घुमा देना, तो बहुत चैलेंजिंग है, इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग। आगे के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? आगे हाँ प्रॉब्ली वसई में तो 2023 नेक्स्ट ईयर होएगा, और होपफुली इससे भी बेटर रहेगा, जो भी है उससे बेटर रहेगा, और बड़े बड़े भी सेट्स रहेंगे, जो है उससे भी बड़े सेट्स का। आपको क्या महसूस होगा कि को क्या और आपको इसमें जो अच्छा और करना है, अभी इतना बेहतरीन है लेकिन और भी अच्छा करना, कुछ आइडियाज अपने काम करते तो आगे आते रहते हैं? हाँ जी, देखो अभी तक हम लोग ने फर्स्ट टाइम अभी डॉग शो हो गया यहाँ पे वसई में, तो पूरा वसई में फर्स्ट टाइम डॉग शो हो गया, फिर फायर शो रखा था, पपेट शोज रखे थे, क्लाउन जगलिंग रखा था, बहुत सारी चीज़ें रखी थी एंटरटेनमेंट के लिए भी, जो सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे थे, मे बी नेक्स्ट ईयर हम लोग और करेंगे कि मंडे से थर्सडे भी कोई शोज रखे,
या फिर सेट्स तो वापस से अलग ही रहेंगे, पूरे अलग रहेंगे और बड़े बड़े भी रहेंगे, प्रॉब्ली 15 feet 20 feet ऐसे बड़े बड़े भी रहेंगे, और लाइटिंग भी और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर, तो और ज़्यादा आपको एंटरटेनमेंट प्लस लाइटिंग पार्क पूरा नेक्स्ट ईयर बहुत अलग अलग दिखने मिलेगा। थैंक यू मैडम, एडवांस में आपको बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरा वसई में श्रीमान जी या बल्ले बल्ले अंकल के नाम से फेमस हूँ, बट माय रियल नेम इज विजय कुमार सेतिया। अंकल आपने यहाँ इस लाइट एंड फूड फेस्टिवल में अपना स्टॉल लगाया है जी, क्या आपका एक्सपीरियंस है अपने तरफ का? ये एक अलग ही इवेंट है श्रीमान जी, मैं वसई में जब से ये इवेंट्स कर रहा हूँ मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना अच्छा इवेंट्स हुआ है, और इतना क्राउड मैंने वसई के अंदर किसी फेस्टिवल में इवेंट्स में नहीं देखा है। रियली आई एम वेरी वेरी हैप्पी फ्रॉम क्राउड एंड माई सेल्फ। आपको क्या महसूस होता है, इस तरह के अलग अलग चीज़ें होती रहनी चाहिए? जी हाँ बिल्कुल होती रहनी चाहिए, ये हमारे क्या बोलते हैं कुछ लोगों के व्यापार भी होते हैं, लेकिन अदरवाइज मैं तो ये समझता हूँ कि वीकेंड पे कैसा हम बाहर घूमने जाते हैं, ये आपके शहर में ही एक फ्रेश होने के लिए एक अच्छा चीज़ है, आप अपने इस दिमाग को शरीर को फ्रेश कर सकते हैं, इंजॉय में रह सकते हैं, और यही इन चीज़ों का उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है कि लोग बाग आए अपना व्यापार करें, तो मैं तो बहुत अपने बिजनेस से खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ यहाँ के क्राउड से, और मैं वसई में ही रहता हूँ वैसे। मैं पावलिन लोपिस हूँ, आज हम लोग यहाँ ग्लो गार्डन देखने के लिए आए हैं, बहुत ही अच्छा ग्लो गार्डन इन्होंने बनाया है, इसके पीछे बहुत जन की मेहनत हमें महसूस हुई है, और बहुत लोगों का भी रेस्पॉन्स इन लोग को मिल रहा है, ऐसा अगर अलग अलग प्रकार का कुछ करेंगे तो हम लोग को देखने को भी मिलेगा और अच्छा लगेगा। हाँ वो ग्लोबल गार्डन अच्छा है, वो अच्छा था सुवर्णनाथ उसका ना। आपको कैसा महसूस हुआ अभी आप अंदर ये फेस्टिवल में आए थे, आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा लगा, बच्ची को अच्छा लगा मेरी। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।